दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल हैं न सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बल्कि इस्लाम के लिए इन जनरल तीन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने चुने हैं इस सेगमेंट के लिए नंबर वन दीन नंबर टू शरिया एंड नंबर तीन फिक। ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनको हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमें इस्लाम के बारे में बहुत ही मुफीद मालूम मिल सकती हैं इसके साथ साथ इन तीन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्पिरिट को भी समझ पाएंगे अब दीन है क्या दीन बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है इसको हम बाज बहुत स्पेसिफिक भी कर देते हैं अगर इसको बहुत जनरल अल्फाज में बयान किया जाए तो दीन इज रेकनीशन ऑफ द यूनिवर्सल सिस्टम एंड लिविंग अ लाइफ हामनी विद अल्लाह तला पाक में फरमाते हैं इन दीनाम के, के नज़दीक दिन सिर्फ इस्लाम है तो इससे बाजात लोग ये कहते हैं दीन इस्लाम का नाम है जो कि बिल्कुल ठीक बात है लेकिन दीन को बिल्कुल जनरल लेवल पे समझने के लिए जरूरी है कि हम इस डेफिनेशन को सामने रखें कि यह है रेकग्निशन ऑफ द यूनिवर्सल सिस्टम कायनात में जो कुछ है उसको समझना उसकी आगाही करना और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना कायनात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सिस्टम है यह तमाम चीजें एक सिस्टम के मुताबिक चल रही हैं अगर इंसान भी उसी सिस्टम के मुताबिक चले तो इसको दीन पे चलना कहते हैं चूंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए जो एक लाहे अमल दिया गया है उसको इस्लाम कहते हैं इसलिए हम कहते हैं कि दीन का मतलब है इस्लाम यानी कि सबमिशन टू अल्लाह सुबहान शरिया या जिसे उर्दू में शरीयत कहते हैं शरीयत क्या है शरिया इज जनरल फ्रेमवर्क दैट इस्लाम एज अ रिलिजन इस्लाम एज अ दीन प्रेस्क्राइब्स टू इट्स बिलीवर्स टू लीड अ लाइफ इन कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह तो दीन जो है कि बहुत खुला कॉन्सेप्ट है अब शरीयत जो है वो उससे थोड़ा सा कम खुला कॉन्सेप्ट बन जाती है है ये भी एक जनरल फ्रेमवर्क तो दीन एक ऐसा ख्याल है या एक दीन जो है पूरी कायनात को समझ के उसके मुताबिक चलने का नाम है शरीयत उसको बिल्कुल स्पेसिफाई कर देती है कि इस पूरे जनरल फ्रेमवर्क में एक और जनरल फ्रेमवर्क है उसको हम शरीयत कहेंगे और हम आएंगे इसकी तरफ आ, कुछ मिनटों के बाद तो तीसरा जो है फ़िक फ़िक जो है ये दीन को समझना और शरीयत को समझना और दीन और शरीयत को समझ के उसके मुताबिक अपने लिए एक लाहे अमल तैयार करना इसको फ़िक कहते हैं फ़िक या उर्दू में फ़िक़ा जिसे कहते हैं इसका मतलब है समझ बूझ कि अपनी समझ बूझ के मुताबिक दीन और शरीयत के हवाले से कुछ कवायद अपने लिए बनाना अब ये तीन कॉन्सेप्ट जो हैं इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पहला इसकी रेफरेंस इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी तरफ रेफरेंस जनरल है शरीयत की तरफ थोड़ा सा स्पेसिफ़िक हो जाता है इसीलिए बाज़ात हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस को शरिया कम्पलाइंट बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कहते हैं फिक जो है ये इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के कवायद जवाबत को मुरतब करती है अब इनमें डिफ्रेंस क्या है पहले जैसे मैंने बताया कि दीन इज वेरी वेरी जेनेरिक इन इट्स फॉर्म शरिया इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एट एंड फिक इज अ फ्रेमवर्क एंड द रूल बुक ड्रॉन फ्रॉम शरिया तो इन तीन कॉन्सेप्ट को समझना और इनके डिफरेंस को समझना हमारे लिए आइंदा चलकर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की समझबूझ के लिए मददगार होगा